Myself, Dr. Swati Sharma. I am Associate Professor in Botany. और आज हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन. जो क्लासिफिकेशन का डेवलपमेंट है, हम उसे चार फेजेस में बांट सकते हैं. पहला द एक्सप्लोरेटरी और द पायनियर फेज, सेकेंड द कंसोलिडेशन फेज, थर्ड द बायोसिस्टमैटिक फेज और चौथा द सिंथेटिक और द एनसाइक्लोपेडिक फेज, जिसको हम कह सकते हैं होलो टेक्सोनॉमी. तो फर्स्ट जो फेज है एक्सप्लोरेटरी और द पायनियर फेज, ये पहली फेज है, शुरुआत की फेज है. और इसमें जो मेनली टेक्सोनॉमिस्ट हैं वो क्या करते हैं कि प्लांट्स का एक्सप्लोरेशन करते हैं. कोई भी पर्टिकुलर एरिया में वो प्लांट्स का को एक्सप्लोर करेंगे. वहाँ कौन कौन सी स्पीशीज पाई जाती हैं, कौन कौन सी वेराइटीज, जीनस, ये सब पाए जाते हैं उस एरिया में, वो ये स्टडी करेंगे. देन कलेक्शन, उन प्लांट स्पीशीज का कलेक्शन करेंगे. कलेक्शन के समय वो ये ध्यान रखेंगे कि केवल उनके वेजिटेटिव पार्ट्स का ही कलेक्शन ना करें, साथ में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का भी कलेक्शन हो. जैसे कि उनके फ्लावर्स हैं और फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, अगर वो भी कलेक्ट होंगे तो वो बेस्ट रहेगा. केवल जड़, तना, पत्ती, ये वेजिटेटिव पार्ट्स के ही कलेक्शन से स्पीशीज के आइडेंटिफिकेशन में भी दिक्कत आती है और उसको कोरिलेट करने में भी प्रॉब्लम आती है. तो कलेक्शन में कंप्लीट प्लांट का कलेक्शन उन्हें करना रहेगा. इसके अलावा प्लांट एक्सप्लोरेशन और कलेक्शन के दौरान अगर किसी एरिया को वो स्टडी कर रहे हैं तो उन्हें सारे सीजन्स में उसको स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि जो सीजनल प्लांट्स हैं वो वहाँ पर गर्मी, सर्दी, बारिश में उगने वाले जो पौधे हैं वो दूसरे सीजन में नहीं रहेंगे. तो ये लंबा प्रोसेस है जिसमें कि वो प्लांट्स को एक्सप्लोर करेंगे और कलेक्शन वहाँ पर अलग अलग प्लांट्स का करेंगे, ताकि उनमें जब फ्लावरिंग होगी तब वो उस प्लांट को कलेक्ट करेंगे. नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन. जब प्लांट्स का कलेक्शन हो गया तो फिर उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो कौन से जीनस हैं, कौन सी स्पीशीज़ हैं, और स्पीशीज़ की भी अगर कोई वेराइटी आइडेंटिफाई वो कर पाए तो. एंड प्रिपरेशन ऑफ हर्बेरिया नेक्स्ट स्टेज है. इसमें उन प्लांट्स को लेके उनका हर्बेरियम प्रिपेयर करना, मतलब उनको हर्बेरियम शीट्स पर प्रिजर्व कर लेना, ड्राई कर लेना, और उनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने कलेक्ट करी है, जो उन्होंने आइडेंटिफाई करी है, वो सब उस पर मेंशन करके और हर्बेरियम को प्रिपेयर करना. ये तो करेंगे फर्स्ट फेज, पायनियर या एक्सप्लोरेटरी फेज में. नेक्स्ट डेवलपमेंट टेक्सोनॉमी का हुआ तो उसमें आई द कंसोलिडेशन फेज. कंसोलिडेशन फेज में सारे के सारे जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं उनकी डिटेल्ड स्टडी आती है. उसमें जो भी प्लांट स्पेसिमेंट्स कलेक्ट किए थे उन सबको मॉर्फोलॉजिकल, उनके कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मतलब जो हमें मॉर्फोलॉजी में दिखाई दे सके, जैसे कि उनकी जड़ कैसी है, तना कैसा है, पत्ती कैसी है, उनमें प्लांट फ्लावर्स किस तरीके के पाए जाते हैं, और उनमें फ्लावर्स के सारे पार्ट्स को कम्प्लीटली स्टडी करना, उनके फ्रूट सीड्स को स्टडी करना. तो ये है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को स्टडी करना, उन प्लांट स्पेसिमेंट्स जो कलेक्ट किए हैं, और उनके मोनोग्राफ्स और फ्लोराज प्रिपेयर करना. मोनोग्राफ्स और फ्लोराज क्या होते हैं? जो फ्लोरा होते हैं वो मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में जो भी प्लांट्स पाए जाएं, जो भी प्लांट स्पीशीज पाई जाती हैं, उन सबको वो कलेक्ट करके और उनका कुछ भी, चाहे हर्बेरियम बनाने या शीट्स पे उनके हों, या पिक्चर्स हों, या ड्राइंग हो, कुछ भी हो, तो वो अलग अलग चीज़ों की तरह से उनको कलेक्ट करके अपने पास प्रिजर्व करके रख सकें. तो मेनली हर्बेरियम शीट्स में जितनी भी स्पीशीज उस एरिया में पाई जाती हैं उन सबका फ्लोरा प्रिपेयर करना. मोनोग्राफ्स होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर जीनस की जितनी भी स्पीशीज पाई जाए, मोनो मतलब सिंगल, तो मोनोग्राफ्स मतलब उसमें एक पर्टिकुलर जीनस की जितनी भी स्पीशीज हैं उनका हर्बेरिया प्रिपेयर करना, या अगर उसमें स्पीशीज का नंबर बहुत ज़्यादा है तो उनकी वेराइटीज, उनकी सब स्पीशीज, उनको उनका हर्बेरिया प्रिपेयर करना इज मोनोग्राफ. अगर किसी पर्टिकुलर स्पीशीज में या मतलब किसी पर्टिकुलर जीनस में या पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, कुछ भी ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, अगर उसके प्लांट्स का नंबर बहुत ज़्यादा है, ऐसा सपोज कि किसी जीनस के स्पीशीज नंबर बहुत ज़्यादा है, तो फिर वहाँ पर उसके पर्टिकुलर जीनस के मोनोग्राफ्स भी प्रिपेयर किए जा सकते हैं. जो थर्ड फेज है टैक्सोनॉमी के डेवलपमेंट की, वो है द बायो सिस्टमैटिक फेज. बायो सिस्टमैटिक,
सिस्टमैटिक मतलब जो भी इंफॉर्मेशन अपन ने कलेक्ट करी है उसको सिस्टमैटिक ढंग से उसकी स्टडी करना। सिस्टमैटिक ढंग से स्टडी करना मतलब उसमें किसने तरीके की जितनी भी आप नॉलेज थी उस समय उस हिसाब से उसको स्टडी किया गया, जो भी नॉलेज है। अगर डार्विन ने जब अपनी थ्योरी दी उसके बाद में इवोल्यूशन वेरिएशंस उनकी स्टडी स्टार्ट हुई, तो फिर यहाँ तक तो केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ध्यान में रखकर के ही क्लासिफिकेशन किया जाता था। यहाँ पे टैक्सोनॉमिस्ट प्लांट्स कलेक्ट करते थे और उनका आइडेंटिफिकेशन करके और उनको क्लासिफिकेशन किया सेकेंड फेज में उनकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को। थर्ड फेज में ये ध्यान दिया गया कि उनमें किस प्रकार का विकास क्रम दिखा रहे हैं प्लांट्स और कितने तरीके के उनमें वेरिएशंस प्रेजेंट हैं। एक पर्टिकुलर जीनस है तो उसमें जीनस में और कितने वेरिएशंस प्रेजेंट है तो उनकी स्पीशीज बनाई गई, स्पीशीज में और कितने वेरिएशंस है तो वेराइटीज बनाई गई। तो इस तरीके से उनमें कितने प्रकार की भिन्नताएं पाई गई एक ही ग्रुप में रखे गए प्लांट्स में। और माइक्रो इवोल्यूशन, इवोल्यूशन तो विकास उनमें देखा गया, माइक्रो मतलब बहुत ही छोटे लेवल पर भी ये स्टडी किया गया, माइन्यूट से माइन्यूट चीज को स्टडी करके कि उनमें किस प्रकार का विकास का क्रम रहा गया होगा। तो जो क्लासिफिकेशंस बने उसमें इवोल्यूशन को भी ध्यान में रखा गया और वेरिएशंस को भी ध्यान में रखा गया कि कितनी भिन्नताएं पाई जाती हैं। इस फेज में प्लांट्स के जियोग्राफिकल और इकोलॉजिकल वेरिएशंस को भी एक्सप्लेन किया गया, मतलब अलग अलग जोग्राफिकल और इकोलॉजिकल एरियाज में अगर सेम स्पीशीज पाई जाती है और उसमें कुछ भिन्नता है तो वो उसको इस आधार पर एक्सप्लेन किया गया कि वहां पर जोग्राफिकल कंडीशंस इकोलॉजिकल कंडीशंस जो अलग अलग हैं उस आधार पर उसमें भिन्नता पाई जाती है। और किस ग्राउंड पर उसको एक्सप्लेन किया गया, साइकोलॉजिकल ग्राउंड्स पर, मतलब प्लांट्स के सेल की स्टडी की गई, सेल में स्पेशली क्रोमोजोम नंबर कितना नंबर है क्रोमोसोम्स का, क्रोमोसोम की साइज क्या है, क्रोमोसोम की शेप क्या है, उनके जो आर्म्स हैं वो लार्ज स्मॉल कौन से पर्टिकुलर क्रोमोसोम की, तो इस तरह से कंप्लीट स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का, कंप्लीट नंबर क्रोमोसोम का उस आधार को ध्यान में रखते हुए क्लासिफिकेशंस किए गए। जो लास्ट और फोर्थ फेज है टेक्सोनॉमी के डेवलपमेंट की वो है द सिंथेटिक और द एनसाइक्लोपेडिक फेज और होलो टेक्सोनॉमी। जैसा कि नाम से पता चल रहा है होलो, होलो मतलब कंप्लीट, सारी चीजें उसमें इंक्लूड की गई टेक्सोनॉमी की। और सिंथेटिक और एनसाइक्लोपेडिक, एनसाइक्लोपीडिया जिस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसमें कंपाइल की गई। तो इस फेज में ये जो लास्ट फेज है ये सबसे ज्यादा इसमें मॉडर्न क्लासिफिकेशन आए, क्योंकि इस फेज का जो मेन एम क्या था कि जितने भी हमने एविडेंसेस और इंफॉर्मेशन जितनी भी जानकारी हमने कलेक्ट करी थी उन सबको कोऑर्डिनेट करना, उन सबको प्रॉपरली अरेंज करना। जो तीन फेजेस जो हमने पहले पढ़ी उन तीनों फेजेस में जो भी इंफॉर्मेशन आई उस सबको इकट्ठा करके उसको कोऑर्डिनेट करना और उसको ध्यान में रखना कि किस प्रकार से जो हम टेक्सोनॉमी है उसको हम किस आधार पर डिस्क्राइब कर रहे हैं, इवोल्यूशन के आधार पर। प्लांट्स जो है वो एक दूसरे से उनका रिलेशनशिप क्या है, जीनस जो अलग अलग जीनस है, फैमिलीज ऑर्डर इस तरीके से, ऑर्डर में कितनी फैमिलीज हैं, कितने जीनस प्रेजेंट हैं, तो उसमें ये देखने के लिए कि उनमें आपस में संबंध क्या है और हर लेवल पर उसमें संबंध को देखा गया। ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, वेराइटीज, उन सब में संबंध को ध्यान में रखते हुए हर लेवल पर उन्होंने स्टडी किया। और ये बताती थी कि उसमें जो जीनस है कई स्पीशीज पाई जाती हैं, उनमें फिर कई सब स्पीशीज पाई जाती हैं, कई वेराइटीज पाई जाती हैं, कई प्रकार के इकोटाइप्स और इकोफेन्स पाए जाते हैं। इकोटाइप्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ अ प्लांट इन अ पर्टिकुलर एरिया, मतलब एक एरिया में पाए जाने वाले जो स्पीशीज है उसकी एक पर्टिकुलर फॉर्म प्रेजेंट होगा उस एरिया में, जो कि केवल उसी एरिया में प्रेजेंट है, जो कि किस पर निर्भर कर रहा है, उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस पर, उसकी इकोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से उसमें कुछ वेरिएशंस डेवलप हो गए जो कहीं और डेवलप नहीं हो पाए। तो वो पर्टिकुलर स्पीशीज में कुछ इस तरीके के वेरिएशंस डेवलप हुए जो केवल उस पर्टिकुलर एरिया में ही प्रेजेंट है। और इकोफेन्स, इकोफेन्स जो है वो कहलाता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में जितनी भी जीनस या स्पीशीज जो भी हम स्टडी कर रहे हैं उनमें कितने प्रकार के वेरिएशंस पाए जाते हैं, मतलब एक ही एरिया में पाए जाने वाली स्पीशीज में कितने प्रकार के वेरिएशंस प्रेजेंट है।
तो ये चार फेजेस हैं जिनके आधार पर टेक्सोनॉमी का डेवलपमेंट हम स्टडी कर सकते हैं कि सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो पहले केवल पायनियर फेज तक ही थे, फिर कंसोलिडेशन फेज तक, फिर बायोसिंथेटिक फेज तक, और फिर लास्ट जो है होलो टेक्सोनॉमी, उसमें सारी की सारी फेजेस का जो भी कंपाइल करके उसको क्लासिफिकेशंस बनाए गए। अब जो क्लासिफिकेशंस हैं अभी साइंटिस्ट के, उनको दो तरीके के टेक्सोनॉमी में डिवाइड किया गया, अल्फा टेक्सोनॉमी एंड ओमेगा टेक्सोनॉमी। जो अल्फा टेक्सोनॉमी है इसमें वो सारे क्लासिफिकेशंस रखे गए जो कि केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ध्यान में रख करके ही बनाए गए थे, यानी कि जो फर्स्ट और सेकंड जो फेजेस थी, जो कि एक्सप्लोरेटरी और द पायनियर फेज और कंसोलिडेशन फेज के समय बनाए गए थे, तो वहां तक केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ही ध्यान में रख करके क्लासिफिकेशंस बनाए गए थे, इसलिए उन क्लासिफिकेशंस को हम कहते हैं क्लासिकल या ऑर्थोडॉक्स या फॉर्मल टेक्सोनॉमी। अल्फा टेक्सोनॉमी के ये कई नाम हो सकते हैं, फॉर्मल, ऑर्थोडॉक्स और क्लासिकल, मतलब ये पुराने जमाने की है जिसमें कि केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ही ध्यान में रख करके क्लासिफिकेशंस बनाए गए। जो मेन क्लासिफिकेशंस हैं इस टेक्सोनॉमी में, जो क्लासिफिकेशंस हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक तो डीकेंडोले और बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशंस हैं, जो कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ही ध्यान में रख करके बनाए गए थे। तो अल्फा टेक्सोनॉमी में केवल ये दो जो फेजेस थी उस समय की क्लासिफिकेशंस हैं। सेकेंड इज ओमेगा टेक्सोनॉमी, इसमें सारे कैरेक्टर्स को, जितने भी ऑल पॉसिबल कैरेक्टर्स थे, जो भी रेलेवेंट डेटा था उस प्लांट के बारे में, उन सबको ध्यान में रख करके, उन सबको कलेक्ट करके, उनकी स्टडी करी, उनके अलग अलग एस्पेक्ट्स को प्लांट के स्टडी किया गया और फिर क्लासिफिकेशंस बनाए गए। इसलिए ओमेगा टेक्सोनॉमी में जो क्लासिफिकेशंस हैं वो आइडियल क्लासिफिकेशंस हैं, और जो लास्ट फेज है सिंथेटिक और द एनसाइक्लोपेडिक फेज या होलो टेक्सोनॉमी जो है वो उनको ध्यान में रख करके ये क्लासिफिकेशंस बनाए गए हैं। मतलब इसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी हैं, ज्योग्राफिकल, उसकी इकोलॉजी को भी ध्यान दिया गया है, उसके साइटोलॉजिकल स्टडी हुई है, उसकी इवोल्यूशनरी स्टडी हुई है, उसके मतलब माइक्रो इवोल्यूशन को ध्यान में रखा गया है, इवन अब तो क्रोमोसोम्स के बाद में जीन लेवल पर जो स्टडी होती है उस आधार पर स्टडी करके फिर प्लांट्स के क्लासिफिकेशंस को वेरीफाई किया जाता है। तो इसमें जितने भी क्लासिफिकेशन हैं ये सारे मॉडर्न क्लासिफिकेशन हैं और इसमें सारी कंडीशंस को ध्यान में रख करके बनाया गया है। थैंक यू।